हाँ जी बच्चों वैक्सीन भी नहीं लगी हुई हले तो उन्होंने मेरा ख्याल यही है कि हले नहीं खोलने चाहिए छोटे बच्चों के। छोटे बच्चों ने वैक्सीन नहीं लगी जी, ठीक है, बच्चे छोटे छोटे है इस करके जी, जो स्कूल बनी इतनी सहूलत हैगी या नहीं हैगी है। 2 साल हो गए पढ़ाई खराब हो रही है इस करके स्कूल तो जरूरी हो। बाकी सरकार ने यह भी चाहिए कि बच्चों का भी कोरोना वैक्सीन करके भी इंजेक्शन लगाना जरूरी है। दैनिक सवेरा देख रहे हो तुसीं ते मैं हिम्मत सिंह दिगपाल। पंजाब सरकार दे वल्लों एक वड्डा फैसला जिहड़ा कि लिया गया है, जन कि कल 2 अगस्त तो जिहड़े कि पंजाब दे विच सारे स्कूल ने खोलण दी जिहड़ी कि इजाजत है वो दे दित्ती गई है। हालांकि कुछ दिन पहला सरकार दे वल्लों 10th तो लैके प्लस 2 तक दे जिहड़े कि स्कूल सी उहनूं खोलण दी जिहड़ी कि परमिशन है वो दित्ती गई सी, पर हुण सरकार दे वल्लों जिहड़े कि सारे स्कूल खोलण दी परमिशन है जिहड़ी कि दे दित्ती गई है ते प्रोटोकॉल दे हिसाब नाल कई प्रकोशन है जिहड़े कि स्कूलां वालिआं नूं गाइडलाइनां दे हिसाब नाल चलना होवेगा ते उह लैणियां जरूरी होणगीआं। तुहानूं दस दिंदे आ कि जिदा जिदा करोना के लगातार मामले वधदे जा रहे सी सरकार दे वल्लों स्कूल मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए सी, पर हुण जद करोना केस जिहड़े कि मामले ने कंट्रोल च आ रहे ने तां हुण सरकार दे वल्लों इह फैसला लिया गया कि जिहड़े कि स्कूल ने उह सारे पूरी तरह दे नाल खोल दिए जाण। गल्लबात करांगे स्कूली बच्चों नाल ते उहनां दे माँ बाप नाल वी, उहनां दा की कहना है वी जिहड़ा सरकार दे वल्लों फैसला लिया गया किन्ना कि जायज़ और किन्ना कि नाजायज़ है, ते बच्चों नाल गल्लबात करदे आ ते बच्चे दे माँ बाप नाल गल्लबात करदे आ। सानूं बड़ी खुशी है कल तो स्कूल खुल रहे ने ते असीं वी स्कूल जावांगे। ऑनलाइन तो सानूं बड़ी दिक्कत आंदी सीगी ते हुण आमने सामने टीचरां च समझ आंदी सी, ऑनलाइन तो सानूं समझ नहीं आ रही सीगी, हुण असीं स्कूल जावांगे हुण सानूं समझ आएगी फिर आपां पढ़ांगे। कल तो स्कूल खुल रहे, सानूं बहुत खुशी है जान के कि पंजाब सरकार वालों स्कूल खोले जा रहे हैं। पहला जो ऑनलाइन क्लासेस लगती सी उदों बहुत सारी प्रॉब्लम दा आंदिया सन, नैटवर्क प्रॉब्लम काफ़ी प्रॉब्लम दा सामना करना पैंदा सी, उस वेले पढ़ाई भी नहीं हो पा रही सी सही तरह दे। हुण कल तो स्कूल खुल रहे हैं, सारे बच्चे स्कूल जाणगे काफ़ी वधिया पढ़ाई करनगे जिहदे नाल उहनां नूं कोई अग्गे प्रॉब्लम नहीं आएगी। कुछ समय लिए लगता है कि सरकार का फैसला गलत है, पर उन्होंने बच्चों के फ्यूचर बारे कुछ तो उन्होंने फैसला लेना पड़ेगा। सानू बहुत खुशी है कि कल तो स्कूल खुल रहे हैं, असी पंजाब सरकार का धन्यवाद करना चाहवांगे कि स्कूल खुल रहे हैं, इस स्कूल खुल रहे हैं तो इस करके सानू बहुत खुशी है। साड़ी पढ़ाई 2 साल हो गए हैं, साड़ी पढ़ाई चंगी तरह नहीं हो रही इस करके स्कूल खुलने ही चाहिए हैं। गवर्नमेंट सरकार का धन्यवाद है कि वह स्कूल खोल रहे हैं। हाँ जी क्लास लगान च बहुत दिक्कत है, उस च कई बारी नैटवर्क की प्रॉब्लम होंगी है, कई बारी नैटवर्क की प्रॉब्लम है तो अखा की निगाह घटती है। मैं बहुत वधिया फील कर रहा कि स्कूल खुलन की खुशी दे विच भी पंजाब सरकार ने मैं धन्यवाद करना चाहता भी स्कूल खुल रहे हैं तो बच्चा जो करोना वायरस की वैक्सीन चल रही है मैं कहना बच्चों ने भी लग रही शुरू भाई स्कूल खुलने चाहिए। बच्चे जिंदगी बर्बाद हो रही है, 2 साल हो गए बच्चे स्कूल नहीं गए, बच्चे भविष्य खराब हो रहा वा, बच्चे पढ़ना ही बंद हो गया, भूल गए बच्चे तो की करिए हूँ। कुछ नहीं हो रही बच्चे वो तो पास करिए ने स्कूल वाले, मैं तो स्कूल जाने ता ही बच्चे पढ़न गए ना, वो सही है। हाँ जी बच्चों वैक्सीन भी नहीं लगी हुई हले तो उन्होंने मेरा ख्याल यही है कि हले नहीं खोलने चाहिए छोटे बच्चों के। भाई इतने तो छोटे बच्चों ने वैक्सीन नहीं लगी जी, ठीक है, बच्चे छोटे छोटे है इस करके जी, क्यों स्कूल बनी इतनी सहूलत हैगी या नहीं हैगी है। खराब हो रही है इस करके स्कूल तो जरूरी हुई है। बाकी सरकार ने यह भी चाहिए कि बच्चों का भी कोरोना वैक्सीन करके भी इंजैक्शन लगाना जरूरी। सो सुनिया तुम जे कि बच्चों के बच्चे स्कूल खोलने लैके खुशी पाई जा रही है तो बच्चों वालों कहा जा रहा है कि जो ऑनलाइन क्लासा लगदियां सी तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पैंदा सी, क्योंकि कुछ बच्चों का यह भी कहना है कि जो पढ़ाई टीचर आमो सामने बैठ के करा सकते ऑनलाइन पढ़ाई उस तरीके नहीं हो सकती, कुछ बच्चों का यह कहना है कि ऑनलाइन पढ़ाई के नाल नाल बच्चों का जोड़ा कि आई तो भी आई सैट पर भी जोड़ा कि काफ़ी असर देखने मिले और कई बच्चे जी कि निगाह वो कमजोर हो पाई है, और कई बच्चों का यह कहना है कि बच्चों भी जी कि वैक्सीन है वो सरकार के वालों लगानी चाहिए ता जो बच्चों के भी करोना के संक्रमण जोड़े घटाए जा सकन। उत्थे दूजे पास अगर मापिया की टीचरों की गल की जाए तो मापिया का भी कोई माँ प्यो का खुश नहीं, कई माँ बाप वालों कहा जा रहा है कि सरकार सिर्फ इलैक्शन आने वाले ने उन्होंने तहत उन्होंने ध्यान रखते सरकार के वालों फैसला लिया गया
कुछ लोगों का यह कहना है कि सरकार सिर्फ स्कूलों जो कि मुनाफा देने दे लिए फैसला लिया गया, स्कूल जोड़े खोले गए हैं ये फैसला अभी तक लेना चाहिए। कोई टीचर ने गलबात की उन्होंने भी यही कहना कि अजय सिर्फ जोड़ा टेंथ तो प्लस टेंथ तो लैके प्लस टू तक जो स्कूल खोलन की परमिशन दी गई थी हिसाब से ही अजय सरकार चलना चाहिए, छोटे बच्चे जो छोटिया क्लासा ने उन्होंने अजय खोलन की परमिशन नहीं दी गई थी। सो वक्त तरह के रिएक्शन ने जोड़े कि देखने मिले ने बच्चों के भी तो बच्चों के माँ बाप के भी। सो हूँ देखना है कल तो जो स्कूल खुल जाते हैं तो स्कूलों के वालों कि प्रकोशन लिया जाए सरकार के वालों समय समय से जो विभाग बनाया गया है उन्होंने वालों सिक्ख्या विभाग बनाया उन्होंने वालों स्कूलों के जाके चैकिंग की जाती है बच्चों का ध्यान रखा जाता है कि नहीं ये तो हूँ आने वाला समय दसेगा। कैमरा पर्सन पवन अमित सिंह दिखपाल दैनिक सवेरा लुधियाना। अलीशा बेगम एक औरत का दुख एक औरत ही समझ सकती है, रूहानी और काली शक्तियां दी मालकन दुनिया का सब तो चमत्कारी इल्म मेरे को है, मेरे किते नू कोई कट नहीं सकता। काला इल्म करना आते तोड़ना हर एक दे बस दी गल नहीं, परेशानी जिमें लव मैरिज पति पत्नी च झगड़ा सौतन दुश्मन तो छुटकारा तलाक केस बुरे सपने विदेश यात्रा बुरी संगत ज नशा छुड़ाना बीमारी च दवा ना लगना वशीकरण एक सच्चाई है, वशीकरण करवाओ मन चाह प्यार पाओ। की तुहाडी किस्मत च लॉटरी का योग है ज नहीं सच्चाई जानो, लॉटरी नंबर पाओ भावे 649 होवे ज लोटोमैक्स 11 घंटे च करवाओ हर परेशानी का हल घर बैठे, अष्टाम पेपर ते लिख के लवो कम दी गारंटी ਜਾ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਤੁਰੰਤ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ।